हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जयंत महापात्रा की पोयम हंगर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। दोस्तों, इस पोयम में तीन करेक्टर्स हैं, पहला द पोएट, दूसरा द फिशरमैन और तीसरा द गर्ल। ये जो गर्ल है फिशरमैन की बेटी है। इस पोयम में पोएट और फिशरमैन के बीच में बातें होती हैं। फिशरमैन एक गरीब व्यक्ति है और गरीबी के चलते वह अपनी बेटी को बेच देता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ हंगर। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम हंगर। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम हंगर बाई जयंत महापात्रा, यानी जयंत महापात्रा की पोयम हंगर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। लेट्स सी द आंसर। हंगर इज वन ऑफ द वेल नोन पोएम्स बाई जयंत महापात्रा। हंगर जयंत महापात्रा की प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम आर इट्स एक्सट्रीम ट्रेंचेंसी एंड ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन। यानी ये जो पोएम है इसकी विशेषताएं हैं इट्स एक्सट्रीम ट्रेंचेंसी एंड ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की अत्यधिक चंचलता और संक्षिप्तता। द पोएट यूजेस ओनली अ फ्यू वर्ड्स, जो कवि है कुछ शब्दों का उपयोग करता है, टू टेल द स्टोरी ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी की कहानी सुनाने के लिए, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ वोमेन एंड शेमलेस ऑफ द फादर, यानी स्त्री की खोज और एक पिता की बेशर्मी। हु इज आउट टू सेल हिज डॉटर, जो अपनी बेटी को बेचने निकला है। इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ पुअर फिशरमैन, यह कहानी पुअर फिशरमैन की नहीं है, एंड हिज पैसिव डॉटर, और न ही उसकी पैसिव डॉटर यानी निष्क्रिय पुत्री की कहानी है, बट ऑल्सो द टेल ऑफ वो ऑफ ऑल दोज हेल्पलेस पावर, यानी ये जो कहानी है उन तमाम बेबस ताकतों के कहर की दास्तान है। हु सेल देमसेल्व्स टू मेक बोथ एंड्स मीट, जो दो वक्त की रोटी के लिए खुद को बेच देते हैं। देयर आर थ्री करेक्टर्स इन द पोयम, इस पोयम में तीन पात्र हैं। द फर्स्ट करेक्टर इज़ द पोएट हिमसेल्फ, जो पहला पात्र है वो पोएट हिमसेल्फ कवि स्वयं है। हु स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन में बातें करता है। ही इज़ टॉर्चर्ड बाई द डिज़ायर ऑफ फ्लैश, वह फ्लैश अर्थात मांस की इच्छा से प्रताड़ित है। एंड wants to gratify his lust, और अपनी लस्ट को gratify करना चाहता है, शांत करना चाहता है। The other character is the fisherman, जो दूसरा character है वो fisherman है। A poverty stricken shameless father, यानी एक गरीबी से पीड़ित बेशर्म पिता। Who sells his young daughter, जो अपनी नौजवान बेटी को बेच देता है, टू द पोएट कवि को बेच देता है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को एक करने के लिए वो अपनी पुत्री को बेच देता है। द थर्ड करेक्टर इज़ द फिशरमैन्स डॉटर, जो तीसरा पात्र है वो फिशरमैन की डॉटर है। हु इज अ हेल्पलेस, जो असहाय है, हेल्पलेस है, एंड पैसिव टूल फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ मैंस लस्ट, जो मनुष्य की लस्ट यानी वासना की
संतुष्टि के लिए एक निष्क्रिय साधन है। द पोयम इज करेक्टराइज्ड बाई एक्सट्रीम इकोनॉमी ऑफ मीन्स। कवि साधनों की अत्यधिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। देयर इज नो वर्बोसिटी एंड सुपरफेशियलिटी एट ऑल। वर्बोसिटी यानी शब्दों का आडंबर और सुपरफेशियलिटी और सतहीपन बिल्कुल नहीं है। दस इस प्रकार द एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस है यानी जो अनुभव है गेंस वो प्राप्त होता है इन इंटेंसिटी एंड ऑथेंटिसिटी तीव्रता और प्रामाणिकता में। टेलिंग इमेजेस हैव बीन यूज्ड द इमोशनल स्टेट ऑफ द थ्री प्रिंसिपल करेक्टर्स यानी तीन मुख्य पात्रों की भावनात्मक स्थिति को एकजुट करने के लिए आकर्षक छवियों का उपयोग किया गया है। द पोएट हैज यूज्ड कवि ने उपयोग किया सम डिफिकल्ट एक्सप्रेशन कुछ कठिन अभिव्यक्ति का इन द पोयम इस कविता में। तो दोस्तों ये था आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।